सोलन में विश्व हिंदू परिषद ने गायों के प्रति प्रदेश सरकार के ढुलमुल रवैये को लेकर मोर्चा खोला है और मरियोग में गायों पर हो रहे अत्याचार को लेकर उपायुक्त सोलन के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और गौ सदन चला रहे प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि दुधारू पशु सुधार सभा द्वारा संचालित गौशाला में गायों के साथ अत्याचार होने की खबर मीडिया में आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश सरकार को 2 दिन के भीतर गौशाला की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद सुर्ख हो गया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव जितेंद्र पाल ने कहा कि उन्होंने उपायुक्त सोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो व्यक्ति गौ सदन चलाने के नाम पर गायों से दुर्व्यवहार कर रहे थे उनके साथ बर्बरता का सलूक किया जा रहा था उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए ताकि वे किसी भी तरह की जांच को प्रभावित ना कर सकें। साथ ही संस्था के पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जितेंद्र ने बताया कि उपायुक्त सोलन ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं जो मौके पर जाके जांच कर रहे हैं। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधीश के माध्यम से दिया है और उस ज्ञापन ने ये मांग की है कि जो मरियोग में गौशाला दुधारू पशु सभा सोलन चला रही है उसमें जो अधिकारी वहाँ तैनात है उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और वहाँ जो है कार्रवाई की जाए और जांच बैठाई जाए। तो अभी हम जिलाधीश महोदय से मिले थे तो उन्होंने बताया है कि डिप्टी डायरेक्टर सोलन को इंक्वायरी मार्क हुई है और वो आज मौके पे गए हैं और उनसे डिटेल रिपोर्ट की इन्होंने डिमांड की है। तो हम जो है और उन्होंने कहा है कि जो भी सहयोग हो सकेगा वो करेंगे, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन को बढ़ाएंगे आगे।